कर्नाटक से इस साल हज के लिए 11,000 आज़मीन ने दरख्वास्तें दी हैं। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर सरफराज खान ने बताया कि खुरानदाजी का अमल 4 अक्टूबर की दोपहर मरकजी हज कमेटी में होगा। खुरानदाजी मुकम्मल होते ही मुंतखब आज़मीन को SMS के जरिए इत्तला दी जाएगी। गुज़िश्ता साल तकरीबन 9,500 से 10,000 आज़मीन को हज पर जाने का मौका मिला था और इस साल ये तादाद बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत का कोटा अभी तय नहीं हुआ है और इसका ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसके बाद हज कमेटी बकिया इंतजाम को आगे बढ़ाएगी। हज 2025 जो है उसका लास्ट डेट 30 सितंबर तक एक्सटेंड किया गया था। कुल मिला के आज तक 11,000 एप्लीकेशंस आए हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया से डायरेक्शन सर्कुलर इशू हुआ है कि वो 4 तारीख को 3:30 बजे ये खुर्रा जो है खुर्रा डिजिटल खुर्रा चालू करने वाले हैं या निकालने वाले हैं 4 अक्टूबर। हाँ, 4 अक्टूबर को शाम में 3:30 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोटा तो हमको अभी मिला नहीं है, मोस्ट प्रॉबली कल या परसों तक मिल जाएगा। तो 4 तारीख को होगा तो पता लगेगा कि मोस्ट प्रॉबली लास्ट टाइम जो थे करीब 9,500 से 10,000 हाजी यहाँ से गए थे, तो उम्मीद है कि उससे थोड़े ज़्यादा लोग ही जाने की कोशिश है। तो इस बार भी उम्मीद है कि पिछले साल भी जितने लोग बता रहे थे 90% लोग हज को गए, तो इस पर भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 90-95% लोग जो अप्लाई करेंगे वो ज़रूर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। अब खुरा जो सिलेक्शन होगा उनको SMS ऑटोमेटिकली जाएगा, जैसे 3:30 बजे खुरे का चालू होगा तो उसी दिन या अगले दिन उनको SMS मिलेगा कि इनका आपका खुरा निकला है, आप सिलेक्ट किए हैं हज के लिए इस बार। मतलब इसका कॉस्टिंग क्या है, कितना कोटा है, ऐसा कुछ अभी तक हमारे को डिटेल्स आया नहीं है। सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया से यही आया है कि लास्ट डेट एक्सटेंड करने नहीं करेंगे इस बार, और जो है ये बार जैसे कि लास्ट टाइम से बहुत जल्दी इस बार पूरा वगैरह किया है, सो दैट अकोमोडेशंस हो या दूसरे जो अरेंजमेंट्स हों बेहतर तरीके से हो, और लास्ट टाइम भी जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हुए थे उधर वो भी उसको भी सॉल्व करें। इसके लिए इस तरह के इंतजाम करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसको इस तरह का डिसीजन लिया।